हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखने की कोशिश करिएगा, पीडिग्री से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, पीडिग्री से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं, अगर आप उन चीजों को पकड़ ले तो अपने आप पीडिग्री को सॉल्व कर सकते हैं। पीडिग्री को सॉल्व करने के लिए याद रखिएगा कुछ पैटर्न यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर इन ट्रिक्स को याद रख लीजिए कि अगर देखिए कुछ पैटर्न होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल है, माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस या मैटरनल इनहेरिटेंस, ठीक है, पैटर्न जो होते हैं उसमें कुछ अलग अलग पैटर्न्स हो सकते हैं। सी, कुछ पैटर्न्स हो सकते हैं, वो कैसे कैसे पैटर्न्स होंगे। इफ फीमेल टू ऑल, अगर फीमेल टू ऑल एंड मेल टू नन चल रहा है तो इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। इसको क्या बोलेंगे? मैटरनल इनहेरिटेंस। इसको बोलेंगे मैटरनल इनहेरिटेंस। नाउ सेकेंड वन, इफ मेल टू मेल चल रहा है, मेल टू ऑल मेल, मेल टू ऑल मेल चल रहा है तो इसको बोलेंगे वाई लिंक्ड। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे वाई लिंक्ड, ठीक है। नाउ थर्ड पैटर्न, थर्ड की बात करता हूं, इफ फीमेल टू मेल चल रहा है, फीमेल टू मेल चल रहा है जो कि ट्रांजिशन हो रहा है फीमेल टू मेल, यहाँ पे फीमेल टू मेल और मेल टू फीमेल ट्रांजिशन हो रहा है, और अगर इस तरीके से हो रहा है तो ये एक्स लिंक्ड हो सकता है, एक्स लिंक्ड हो सकता है। एक्स लिंक में एक चीज याद रखिएगा, मेल टू मेल ट्रांजिशन कभी भी नहीं होगा, नेवर। एक्स लिंक में मेल टू मेल ट्रांजिशन कभी भी नहीं होगा, और यहाँ पे अफेक्टेड मेल नियरली इक्वल टू द अफेक्टेड फीमेल, ठीक है, अफेक्टेड मेल इज इक्वल टू नियरली अफेक्टेड फीमेल। नाउ अब देखिएगा कि ये कब होता है। अब इसी इसमें थोड़ा सा इसको आपको करेक्ट करना चाहूंगा मैं। एक्स लिंक में, एक्स लिंक की बात करता हूं तो इस एक्स लिंक में एक आता है डोमिनेंट, एक आता है डोमिनेंट और एक आता है रिसेसिव, एक आता है डोमिनेंट, एक आता है रिसेसिव। रिसेसिव में याद रखिएगा, अफेक्टेड मेल विल बी ग्रेटर दैन अफेक्टेड फीमेल, एंड डोमिनेंट में अफेक्टेड मेल इज नियरली इक्वल टू द अफेक्टेड फीमेल, ठीक है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं ऑटोजोमल, ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये आता है डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट के केस की बात करें, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, इसमें कई अलग अलग केस आते हैं। डोमिनेंट के केस की जब बात करेंगे, सो डोमिनेंट जो होता है यहाँ पे ऑडी याद रख रहेगा, ऑडी, ऑडी का मतलब क्या है, एक केस है कि अफेक्टेड पेरेंट अनअफेक्टेड चाइल्ड, दैट इज द डोमिनेंट कंडीशन। और जब ये हो जाएगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज अनअफेक्टेड पेरेंट अफेक्टेड चाइल्ड इज द रिसेसिव। ये आपका रिसेसिव कैरेक्टर स्पेसिफिक शो करेगा। डोमिनेंट में कोई जनरली स्किप जनरेशन, जो जनरेशन होता है नो स्किप, यहाँ पे कोई भी स्किप नहीं होगा, जबकि रिसेसिव में जनरेशन जो होता है वो स्किप होता है, ठीक है। ये आपके कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि आप पिडिग्री को देख के पता लगा सकते हो कि कौन सी पिडिग्री है वहां पे। नाउ यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी पिडिग्री जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए आपको बता दूं कि कैसे करना है, आप इसको देख लीजिएगा, कुछ ट्रिक्स प्रोबेबिलिटी के लिए, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ पिडिग्री, ठीक है, कुछ ट्रिक यहाँ पे बता दूं कैसे करना है, आप लोग देख सकते हैं। पहला ट्रिक कि याद रखिए, अगर वो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, अगर वो ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ठीक है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, तो याद रख रहिएगा कि ऑटोजोमल डोमिनेंट के केस में जितने भी अनअफेक्टेड हैं, जितने भी अनअफेक्टेड हैं, याद रखिए उनको क्या मार्क करना है, उनको स्मॉल डी मार्क करना है, या स्मॉल ए जो भी करना है। अगर वो ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल रिसेसिव है,
ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इसमें अफेक्टेड को क्या करना है, अफेक्टेड को स्मॉल डी मार्क कर देना है। और एक चीज याद रखे रहिएगा ऑटोसोमल में कि इफ द बोथ पेरेंट इज हेट्रो, हेट्रो का मतलब क्या है, अगर दोनों के दोनों कैपिटल डी स्मॉल डी का केस बन रहा है, तो नीचे जो कैरियर आएगा, जो उनके प्रोजेनी में कैरियर आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 2/3 होगी, ये मेंशन किया रहिएगा, हमेशा 2/3 होगी। ठीक है जी, ये ऑटोसोमल के लिए रहा। अगर मैं एक्स लिंक डोमिनेंट की बात करता हूँ, एक्स लिंक रिसेसिव की बात करूं, तो यहाँ पे जो होगा, अगर एक्स नॉट वाई है, एक्स नॉट वाई मेल जो होगा अफेक्टेड होगा, इस केस में मेल अफेक्टेड होगा, उसको आप लिख सकते हो नॉट और डी, ये अफेक्टेड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये अफेक्टेड फॉर्म में हो जाएगा, और एक्स डी वाई होगा मेल अनअफेक्टेड। इससे ही आप बहुत सारी चीजें लगा सकते हो, मेल अनअफेक्टेड आ जाएगा। नाउ डोमिनेंट में भी यही काम करना है, लेकिन एक की पॉइंट याद रख लीजिएगा कि चाइल्ड की प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन होगा। चाइल्ड प्रोबेबिलिटी आपकी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन होगा। चाइल्ड प्रोबेबिलिटी इंक्लूडेड इंक्लूड इंक्लूडेड विथ अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। अगर ऑप्शन में उसको लेके कंसीडर करके कर रहा है, ठीक है, अगर नहीं करके कर रहा है, वो आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा। इज इट क्लियर? टू क्लियर द सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस, आई विल ब्रिंग योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद माय 4 ईयर एक्सपीरियंस, स्मार्ट हैक्स, स्मार्ट स्ट्रेटजीज एंड स्मार्ट अप्रोच। आई विल मेक यू फॉल इन लव विद ऑल द 13 यूनिट्स। माय कोर्सेज आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट हैक्स एंड द स्टैंडर्ड बुक्स। आई एम विरेन सिंह, ज्वाइन मी एंड माय बैच एंड इंडिविजुअल कोर्सेज ऑन एन अकेडमी प्लस प्लेटफॉर्म and crack the CSIR confidently and smartly. Use the referral code VIRIN or VIRIN LIFE to get the 10% discount. Let's crack it. हे गाइस, होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर बेल आइकॉन पर दबाइए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं और मेरी पूरी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कई सारे और कॉन्सेप्ट्स के लेके जुड़ा रहूंगा मैं आपके साथ। सो प्लीज टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।